वाणी में वचन आते हैं। समुद्र विलोर शरीर हम देखिया, एक वस्त्र अनूप दिखाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। मैंने शरीर रूपी समुद्र को मथ कर देखा तो एक अनुपम वस्तु दिखाई दी कि गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु हैं। गुनाह साहब फरमाते हैं कि इसमें बिल्कुल भी कोई भेद नहीं है। तो गुरु के रूप में परमात्मा ही हमारे बीच में आते हैं, वो गुरु ही फिर हमारी आत्मा को प्रकाशित करते हैं, हमारी आत्मा ही बन जाते हैं, हमारी आत्मा से अलग नहीं होते वो। तो धीरे धीरे आपकी जो इनर वॉइस है वही गुरु हो जाती है। गुरु शुरू शुरू में तो बाहर के रूप में आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अपने चरणों में स्वीकार करेंगे, आपके को बाहरी रूप से समझाएंगे, फिर वो आपकी आपके भीतर समा जाएंगे। जब आप उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं तो आपके भीतर समा जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे आपका आपकी इनर वॉइस बन जाते हैं, आपकी अंदरूनी आवाज बन जाते हैं। आपकी जो अंदरूनी आवाज है वो और सदगुरु कोई अलग नहीं होते, वही आवाज बनकर वो आपको गाइड करते हैं। यही होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु बाहर रहेंगे तब तक बाहरी रूप से आपके जीवन को संवारेंगे, गाइडेंस देंगे, आपके अहंकार को तोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे वो आपके भीतर समाहित होकर आपके अस्तित्व को ही अंदर से बदल डालेंगे। यही गुरु की विशेषता है। तो हम ऐसे सद्गुरु पर कुर्बान प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव इसी प्रकार हमें चरणों से जोड़े रखना और अंतर का प्रकाश देना, अंतर की प्रज्ञा देना, अंतर का ज्ञान देना, ताकि हम सही और गलत का फैसला ले सकें। ये फैसला ही तो नहीं लेने आया, आज तक हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहना सिखाया गया, आज तक कभी भी गलत फैसले ले लेकर संसार के तरफ जाने वाले फैसले लिए और भटके रहे। अब वो फैसले जो अंतरात्मा को सही दिशा दिखाएं वो फैसले लेने हैं, और सही दिशा में, अब सही दिशा क्या है, जो आपकी आत्मा की ओर लेकर चले, जो अंतर में प्रकाश कर दे और अपने साथ साथ अनेक लोगों का भला हम कर पाए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो विचार जब भी शुरू करें हमेशा ऐसा ही गुरु को बाहर से भीतर लेकर आए, और जब सदगुरु भीतर आते हैं तो नाम का जो दान देते हैं वो नाम हमारे अंतर में बस जाता है, वो जो शब्द चलता है श्वास श्वास में वो भीतर जो कल्याण करता है। तो अंतर में जो अंधकार था, हम बचपन में भजन बोलते थे, अभी भी कभी होता है कि हारा वाले आ मेरे अंदर अंधेरा, गुरु महाराज जी के आगे प्रार्थना करता है कि मेरे अंदर तो अंधकार है, चानन कर दिखलाओ, मेरे अंदर अंधेरा, मेरे अंदर प्रकाश कर दो प्रभु। उस परम प्रकाशवान सदगुरु के लिए कोई मुश्किल है क्या वो प्रकाश कर दे? पर हम उसे जगह देंगे अंदर में तभी हो पाएगा ना, तो जगह देनी है अपने हृदय में ताकि वो प्रकाश कर सके। एक समय आता है जब संत दरिया साहब जी लिखते हैं, दरिया सूरज उगया चहु दिसी भया उजास, नाम प्रकाश देह में तो सगल भरम का नाश। दरिया सूरज उगया चहु दिसी भया उजास, भीतर सूरज उग गया है जैसे चारों तरफ उजाला हो गया है, नाम का प्रकाश देह में ऐसा हुआ कि सगे सारे भ्रम मिट गए। ऐसे भ्रम मिट जाएं, ऐसे भ्रम मिट जाएं, सकल भ्रम मिट जाएं और हम खुद को जान सके। तो सारा प्रयास इसी बात का है कि मेरे भीतर मेरी अंतरात्मा जागृत हो सके, उसी के लिए इतने एफर्ट डाले जा रहे हैं। कि शुरुआत कोई बाहर के नजारे देखने से नहीं करनी, मतलब बहुत बाहर के नजारे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग कहते हैं कि अंतर में ये दिखा वो दिखा, अच्छा है अगर कुछ दिखा तो, वो ये बता रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। पर एक बार फिर याद दिला दूं कि नजारों से बढ़कर आप हैं, देखने वाला इंपॉर्टेंट है। बाहर कुछ भी दिखा, ध्यान इस बात पर देना मैं कौन हूं, देख कौन रहा है, क्योंकि बहुत लोग यहां भी भटक जाते हैं, नजारों में भी भटक जाते हैं, अंतर में भी ये दिखा कि वो दिखा, उसी चीज का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी दिखा, आप कहां थे,
आप कहाँ थे, आप इम्पोर्टेंट हैं, नजारे नहीं। तो खुद पर ध्यान देना, खुद पर, मैं देखने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट हूं, यही, क्योंकि इसी देखने वाले में ही साक्षी छुपा हुआ है, दृष्टा छुपा हुआ है, और वही दृष्टा ही परमात्मा है। इसलिए गलती मत करना बार बार ध्यान में। लोग फिर भी अभी भी पूछने से बाज नहीं आते, लाइट दिखी, ऐसी दिखी कि वैसी दिखी, भगवान भी दिखे, मान लो आपको भगवान शिव दिखे या भगवान कृष्ण के दिखाई दिए, तो भी जीवन क्यों नहीं बदल गया? अगर इतनी ही बड़ी बात है तो जीवन क्यों नहीं बदला अब तक? आज मुझे ऐसे 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 दर्शन हुए, तो आप क्यों बदले क्यों नहीं फिर अब तक? इसका मतलब है कि वो दिखना इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बात नहीं है वो। इसलिए जिन लोगों को नहीं दिखते वो घबराने की जरूरत नहीं, उनको भी कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं कि मुझे तो दिखते नहीं। हमें भी नहीं दिखते, हर वक्त आंखें बंद करो और सामने भगवान खड़े हो, साक्षात बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए, ये वाली बात दिमाग से हटा दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और जो लोग बहुत बताते हैं ना कि मैं वहां गई, मैंने देखा ऐसे लाइट थी, फलाना था, डिमका था, ये था वो था, ऐसे लोग बड़ा बयान करते हैं, इसमें भी बहुत सारी गलत फहमियां हैं। किसी भी नजारे के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर कह रहा हूं, आप इंपॉर्टेंट हैं, आप इंपॉर्टेंट हैं, देखने वाला इंपॉर्टेंट है, जो दृश्य है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने खुद को जाना कि नहीं जाना? बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। खुद को चीने बगैर, खुद को जाने बगैर भ्रम मिटेगा नहीं। तो नजारे इंपॉर्टेंट नहीं है, देखने वाली नजर इंपॉर्टेंट है, और नजर के पीछे बैठे हुए आप इंपॉर्टेंट हैं। इसके द्वारा सारी गलत फहमियां दूर कर दें, इसमें कोई गड़बड़ ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। और ज्यादा बार बार लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन भी मत दिया करें, ना ही खुद को दिया करें और ना ही हमें दिया करें। लोग बताते हैं ऐसा दिखता है कि वैसा दिखता है, अगर कोई पर्टिकुलर चीज बार बार रिपीट हो, एक सर्टेन टाइप का दृश्य बार बार रिपीट हो, तो उस पर कुछ ध्यान देने की जरूरत है भी सही, लेकिन अदरवाइज, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर कुछ ऐसे कोई रिपीट नहीं हो रहा, ऐसी कुछ रेंडमली सामने आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। दिखने वाले को देखना, कौन देख रहा है, इस दृश्य को देखने वाला है कौन, वो इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए सारी गलतफहमी दूर करके अपने आप पर, आप खुद को ही ढूंढ रहे हैं। ये नजारे सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिकेट करते हैं, बाकी ढूंढ तो आप स्वयं को रहे हैं। अपने आप को याद रखना, आप लक्ष्य हैं, आपको खुद को पाना है, और आपके ही अंदर सारा सारा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। पहले खुद को समझेंगे, फिर इस ब्रह्मांड को जानेंगे, और फिर इसकी सेवा भी करेंगे। यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है, खुद को जानकर और फिर बड़े प्यार से संसार की सेवा, जगत के कल्याण हेतु कार्य करेंगे, जरूर करेंगे। व्हाई नॉट, मौका है खुद को जानने का, जगाने का, खुद पर काम करने का। जागो और जगाओ, डेफिनेटली प्रयास ऐसा करते रहना। तो मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। इसको अपने दिल में अच्छे से बिठा लें और इस पर अमल करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे।